देखिए लग रही है ना कितनी ज़बरदस्त। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर भुर्जी की रेसिपी। मैं हूँ रहमत और आपका स्वागत है मील एंड फील में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिए ग्रेटेड पनीर, टमाटो, कैप्सिकम, अनियन। स्पाइसेस में हमने लिए हैं हल्दी, मिर्ची, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और दो हरी मिर्ची। एक पैन में हम थोड़ा बटर डालते हैं। बटर जले ना इसके लिए हम उसमें तेल डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं। हमने बटर इसलिए डाला है क्योंकि बटर से इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर को गलने के लिए तो नमक ज़रूरी होता है, इसलिए अब हम इसमें नमक डाल लेंगे और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और साथ ही बाकी के सारे मसाले भी मिला लेंगे। उसके बाद इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले भून जाएं, तब हम इसमें कैप्सिकम मिला लेंगे। और उनको भी अच्छे से चला लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इनको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारी सारी सब्जियां पक गई हैं। तो अब बारी आती है पनीर की। हम इसमें पनीर भी मिला लेंगे। पनीर डालने के बाद हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं पड़ता है, बस हम इसे 2 मिनट भून लेंगे अच्छे से। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तब तक के लिए खाते रहें, मस्त रहें।